अगर बात की जाए राजस्थान बीकानेर के टेम्परेचर की, तो अभी बीकानेर का टेम्परेचर है 45 डिग्री प्लस। काफ़ी तेज़ गर्मी, काफ़ी तेज़ धूप है। और इसी बीच हमारा निरंतर प्रयास है पिछले कुछ 7 से 8 दिनों से एक नए सेटअप को बनाने का, नए सेटअप के निर्माण करने का। तो दोस्तों, इस वजह से काफ़ी टाइम से मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज का वीडियो तो आपको काफ़ी ही अच्छा लगेगा, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखें कि किस तरीके से सेटअप बन रहा है और हमने नए सेटअप को बनाने के लिए क्या क्या सोच रखा है, किस तरीके से हम सेटअप को बनाएंगे, और ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हमने यहाँ तक का जो वर्क है वो किया है, इसके बाद में आगे कौन कौन सा काम होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरीके से हमने इस काम की शुरुआत की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी दोस्तों, दो कूलर को चला करके मैं अपने बर्ड को गर्मी से बचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। किस तरीके से मैं अपने बर्ड को गर्मी से बचा रहा हूं वो भी चीज़ें आप देखेंगे, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बजे हैं, इस समय काफ़ी तेज़ गर्मी होती है। तो आप देखें, ये अपने मास्टर केजेस में कूलर लगा हुआ है और इसके ठीक पास में जो बजीज पैरेट की पुरानी कॉलोनी थी उसको दोस्तों हमने हटा दिया। उसको हटाने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि जो मास्टर केज बना हुआ है उसी के बराबर में, उसी हाइट को देखते हुए उसके बराबर और मास्टर केजेस बनाए जाए, इस मास्टर केज को और भी बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए, और उसके अंदर भी सेपरेट केजेस में 1 बाय 1 हम सभी बर्ड से ब्रीडिंग लेंगे, जिसमें अभी तक हमने सोच रखा है कॉकटेल बर्ड्स और लव बर्ड्स से हम ब्रीडिंग लेंगे। इसके अलावा आपने इससे पहले देखा कि बजीज पैरेट के लिए हमने एक नया सेटअप बनाया, नया जो है वो सेटअप तैयार किया, उसमें बजीज पैरेट को रिलीज किया, उसके बाद हमने उस कॉलोनी को हटाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम को कंप्लीट किया। सबसे पहले तो आप देखें कि ये हमने बजीज पैरेट को न्यू कॉलोनी में शिफ्ट किया है, जो कि हमारी लव बर्ड्स की कॉलोनी थी उसमें हमने बजरी तोतों का शिफ्ट किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे इस कॉलोनी को हटाने का काम शुरू किया। जो बजरी तोतों की कॉलोनी है उसके आगे के जो जाली के फ्रेम थे वो मैंने खोले। उसके बाद हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ। और अंदर की तरफ से छत के ऊपर देखें, हमने 1 इंची थर्माकोल सीट लगाई है और उसके नीचे हमने प्लाईवुड लगा के एक सीलिंग बनाई है, ताकि जो धूप है ऊपर की छत की वो अपने बर्ड को ना लगे। तो सबसे पहले इन्हें हम हटाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप देखें अंदर जो है वो मास्टर केजेस। धीरे धीरे दोस्तों पुरानी कॉलोनी को तोड़ने का काम ऊपर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे दोस्तों इस काम को हम कंप्लीट करते हैं, इस कॉलोनी को हम हटाते हैं, हमारे कोई भी बर्ड डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से हम काम करेंगे। और कॉलोनी को हटाने के बाद दोस्तों नई जो है हमने दीवारें बनवाई है। दीवारें बनवाने के बाद में आप देखें कि इसके बीच में दोस्तों वेंटिलेशन के लिए हमने एक जो है खिड़की विंडो रखी है। और उसके बाद दोस्तों आप देखें उसी तरीके से ईंटें हमने लगवाई है कि पुराना जो सेटअप है, पुराना जो मास्टर केजेस है उसके लेवल के अनुसार काम होगा। और उसके ऊपर जो है एक जैसे टीन लगने के बाद ये नहीं लगेगा कि कौन सा सेटअप पहले और कौन सा सेटअप बाद में बनवाया गया है। और दोस्तों आप अंदर से देखें, अपने भाई लोग जो है रेगुलर काम कर रहे हैं और इस काम को जो है धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है और अच्छी तरीके से और अच्छी मजबूती से इस काम को किया जा रहा है। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें दोस्तों, दीवारों के ऊपर प्लास्टर किया जा रहा है और प्लास्टर करने के बाद में जो है सेटअप में काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाएगी, कलर भी किया जाएगा, वो सभी चीज़ें आप आगे देखेंगे। तो ये आप देखें, अपने दोस्त हैं किशन जी जो कि एक बर्ड लवर हैं और बर्ड के काम में बर्ड लवर का ही काम होता है, आपको पता है। और ये जो है रेगुलर काम कर, और काफ़ी पहले दोस्तों किशन जी ने कमेंटमेंट किया था कि जो अगला सेटअप है वो मैं ही तैयार करवाऊंगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस काम को एक बर्ड लवर भाई ही करें। और दोस्तों उसके बाद आप देखें यहाँ तक का काम जो कम्प्लीट हुआ है, और उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और अंदर आप देखें कि हमने जो सेटअप है उसके इस तरफ जो है वो ग्रीन नेट लगा लिया है, ताकि जो धूप है वो सेटअप के अंदर ना जाए। कूलर चल रहा है और सेटअप के अंदर जो है वो बर्ड डिस्टर्ब नहीं हो रहे, सेटअप अंदर से काफ़ी ठंडा है और साइड में जो है ये पार्ट तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद आप देखें, यहाँ तक पहले कॉलोनी थी बजरी तोतों की और ये जो स्पेस है कम से कम 2 से 2.5 फीट जो है ये बढ़ चुका है और ये एक मास्टर केजेस बनेगा। दोस्तों पहले जो बजीज पैरेट की कॉलोनी थी वो हमने काफ़ी मजबूती से, काफ़ी ही मजबूत बना रखी, और अब दोस्तों ये जो सेटअप बनेगा, जो टीन सेट लगेंगे वो ज़्यादा भारी नहीं होंगे, हल्के होंगे और अपना काम काफ़ी फिनिशिंग से काफ़ी अच्छा लगने वाला भी होगा। और जो दोस्तों मास्टर केजेस का पुराना डोर है वही डोर काम में आएगा, पूरा जो मास्टर केजेस है वो एक हो जाएगा। और इस तरफ जो जगह है यहाँ पर भी जाली का फ्रेम लग जाएगा और जो खिड़की है वो आप देखें
यहाँ पर भी जो है जाली का फ्रेम लगेगा। और दोस्तों पीछे से आगे तक का जो लेवल है वो 2 इंच हमने नीचा रखा है ताकि जो पानी है वो टीन सेट से आगे की तरफ गिर जाए। और सेटअप के अंदर से आपको उस तरफ दिखाई दे रही होगी बजीज पैरेट की कॉलोनी, जो कि पहले थी लवबर्ड्स की कॉलोनी। एक कूलर हमने वहां लगा रखा है। तेज गर्मी आप देखें, सूरज है कॉलोनी के ऊपर है और ग्रीन नेट लगी हुई है। और ग्रीन नेट के अंदर आप देखें ये है ओपलाइन का पेर, ऑरेंज वुड ओपलाइन और फीमेल है, लोटिनो की फीमेल है। इसके नीचे जो है वो व्हाइट पेस्टल का पेर है और उसके बाद में दोस्तों लोटिनो पीच फेस का पेर। ये सब बर्ड बैठे हैं आराम से ठंडक में बैठे हैं और कोई भी बर्ड गर्मी से परेशान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से काम आगे चल रहा है। उसके बाद टीन सेट लगेंगे, टीन सेट लगने के बाद जालियों के फ्रेम लगेंगे, कलर होंगे, कलर होने के बाद में पूरा सेटअप जो है एक होने के बाद। और उसके बाद दोस्तों हमने सोच रखा है कि सेटअप के अंदर कुछ फिक्स पिंजरे बनाएंगे जिनके अंदर कुछ बर्ड के पट्ठों को अलग किया जाएगा, थोड़े बड़े साइज में बनेंगे। किस तरीके से कहां पर बनते हैं वो आप आगे देखना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट का इंतजार करें और इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें और इस तेज गर्मी में अपने बर्ड का ख्याल रखें।